भारत तक पर शौर्य की जो कहानियां हम आपको सुनाते हैं उसमें हम एक कदम नहीं कई कदम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम का स्पेशल भारत तक एडिशन अब आपके लिए रहेगा। हम आज आपको कमांडो स्कूल बेलगाम के बारे में बता रहे हैं, और ये जो एपिसोड है टीवी पर जो हिस्से आप नहीं भी देख पाते हैं समय की कमी की वजह से, आप भारत तक यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखेंगे। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जैसे ही कोई नई स्टोरी हम अपलोड करेंगे आपको पता फौरन चल जाएगा। तो आज की कहानी कमांडो स्कूल बेलगाम की, वो कमांडोज जो दुनिया में सबसे सख्त हैं, वो कमांडोज जिनसे दुनिया में हर कोई खौफ खाता है, वो कमांडोज जिनके दिल में किसी चीज का खौफ नहीं। मसल पर बैठ जा, बैठ जा, तू बैठ जा, पट्टी खोलने से कुछ नहीं होगा। यू वांट टू कंटिन्यू, यू वांट टू सिट इन व्हीकल, ये कहानी है 35 दिन और 35 रातों की। ये 35 दिन हमारे जिंदगी के इतने मुश्किल दिन होते हैं कि यह दिन हमें पूरी जिंदगी याद रहते हैं। 15 दिन हो गया बट अभी तक 1 घंटा भी सोने को नहीं मिला है। पता ही नहीं चलता दिन कब होता है कब रात होता है। हार्डली आपके पास 1 या 1.5 घंटे होते जब आप सोते हो। एक एक दिन ऐसे कट रहा है अभी 1 साल के जैसे। ये कहानी है हिम्मत से धधकती सांसों की। नींद, भूख, प्यास को भी कंट्रोल कर हर चीज को याद करके अपना टास्क पूरा करना है। चलो चलो देखते हैं कौन लगाता सर्कल सबसे पहले। सिर से रोकना लॉक को, गिरने नहीं देना। उनकी शर्त है। चल चल लिफ्ट में अप, लिफ्ट अप, लिफ्ट अप, हरी अप। ये कहानी है टूटते शरीर जुड़ते हौसले की। शरीर जो है वो दिमाग का गुलाम है। अपने दिमाग में हम सब ने अपनी एक सीमा बनाई हुई है, वो एक काल्पनिक सीमा है। जब उसको लगता है कि मैं अब और नहीं कर सकता हूँ तो अब हम उसको एक प्रेशर डालकर उससे एक अगली लिमिट तक ले जाते हैं, जिससे उसको अपने ऊपर भरोसा हो जाता है कि मैं इस काम करने में सक्षम हूँ। ये कहानी है असंभव सी, ये कहानी है संभव की। तो वो कहते ना कि चैंपियन आर नॉट बोर्न, दे विल बी मेड। पहले इनिशियली लगता था कि ये लोड है, लेकिन अभी जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ बॉडी। मुश्किल टाइम पे हम अपने आप को बोलते रहते हैं बस ये भी खत्म हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हिम्मत की परिभाषा बदलेगी, आज हौसले की परिभाषा बदलेगी, आज शक्ति की परिभाषा बदलेगी, आज परिभाषा बदलेगी एक सैनिक की। अपने मनु मस्तिष्क में एक सैनिक के लिए आपने जो सम्मान संजो कर रखा है, आज उस सम्मान की परिभाषा बदलेगी। सीना आ गया, काम खड़ा हो। 15, 12, 16 Pick up your weapon and packs. Up. Har har. Super six. Shabash shabash. Turn left. Where's the left? Number 3. अगले एक घंटे में तस्वीरों को केवल देखिए नहीं, महसूस कीजिए। उस हौसले को जो शरीर की हदों को मिटा देता है, उस हिम्मत को जो इंसानी जरूरतों को भुला देता है, उस जुनून को जो बुनियादी तर्कों को झुठला देता है। ये मानव नहीं है, ये महामानव है। भारतीय सेना के कमांडोज हैं, हमारे सुपर सोल्जर्स। जब एक शरीर पूरा थक जाता है
तो उसका दिमाग उस शरीर को कंट्रोल करता है और वो जो सीमा उसने अपने दिमाग में बनाई हुई है उसको आसानी से क्रॉस करता है। आज वंदे मातरम बेलगाम स्थित उस कमांडो स्कूल में पहुंचा है जिसके बारे में कहा जाता है सैनिक इससे कठिन परिस्थितियां युद्ध के मैदान में भी नहीं देखते। कमांडो काबू नहीं आता है, मकरागिरी करता है, तो समय धूप के अंदर इस प्रकार की पनिशमेंट दी जाती है। 35 दिनों की ऐसी कठोर ट्रेनिंग यहां दी जाती है जिसे देखकर भी आप यकीन नहीं कर पाएंगे। हाथ सीधे सीधे लगा हुआ, हाथ आगे की तरफ, इधर मूव कर रहा, हाथ सीधा आने से उंगली आगे की ओर। लेकिन जो फौजी यहाँ पहुंचते हैं उन्हें एहसास रहता है वो कहाँ कदम रख रहे हैं। जब मैं इधर आया था तो ट्रेन में था तो दो दिन मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि बहुत डर था। तो जैसे मैं इधर पहुंचा तो गेट पे ही मेरे को स्वागत हुई, जो सामान था वो सिर पे उठाया, पूरा एक घंटा हमें नचाया इधर, पूरी रात घुमाया इधर। उस रात जिस रात हम आए थे तो एक हफ्ते तक हमें पता नहीं था कि हम कहाँ हैं, किस देश में आए हैं, हम ये कोई पता नहीं था हमें एक हफ्ते तक। दिन रात मेहनत करना पड़ता है, दिन रात सब कुछ है, लेकिन शुरू शुरू के दिन थोड़ी तकलीफ हो जाती है, उसके बाद में कुछ नहीं लगता। कमांडो स्कूल केवल एक ऐसी जगह नहीं है जहां ट्रेनिंग दी जाती है, ये तो एक ऐसी प्रयोगशाला है जो पता लगाती है कि इंसान के टूटने की हद क्या है। कई बार स्ट्रेसफुल कंडीशन में कमांडोज से उनका बेस्ट निकलवाने के लिए हमें उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सख्ती से पेश आना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करना पड़ता है उनसे। ये 35 दिन हमारे ज़िंदगी के इतने मुश्किल दिन होते हैं कि यह दिन हमें पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। पहले दिन सैनिकों का जैसा स्वागत होता है उससे आने वाली पिक्चर का ट्रेलर मिल जाता है। समझ आ रही सभी को बात? गलत मींस का इस्तेमाल करोगे तो आप इस स्पोर्ट्स रन में ही नहीं, इस स्पोर्ट्स में भी फेल हो सकते हो। फिर तो शुरू होती है दिमाग और शरीर की ऐसी स्पर्धा जिसमें बिना सोए, बिना खाए, बिना टूटे ये योद्धा पढ़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कभी परिस्थितियों से, कभी अपने शरीर की सीमाओं से। कोई भी देश केवल सपनों के आधार पर नहीं चल सकता, उस देश को चलने के लिए इनका खून लगता है, इनका पसीना लगता है, और इसीलिए अभ्यास में ये अपना खून भी बहाते हैं और पसीना भी बहाते हैं। वो कहते हैं ना कि आज के अभ्यास के आधार पर ही कल आप युद्ध जीतेंगे। जिस बैच की ट्रेनिंग के हम साक्षी बन रहे थे उसमें चार ग्रुप थे, दो ऑफिसर्स के, दो NCO यानी नॉन कमीशन ऑफिसर्स के। हर ग्रुप में 25 से 30 ट्रेनीज होते हैं। इसमें दक्षिण अफ्रीका से लेकर फ्रांस और खासकर भारत के पड़ोसी देशों के सैनिकों की भी ट्रेनिंग होती है। इस बैच में नेपाल, श्रीलंका और भूटान के सैनिक शामिल थे। आपको ये भी बता दें कि ये सभी सैनिक अपने अपने देशों में कमांडो ट्रेनिंग पहले ही ले चुके होते हैं। यहाँ वो कठिनाई के अगले स्तर के लिए आते हैं। यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है उसे कई जानकार दुनिया में सबसे मुश्किल मानते हैं। चूंकि यहाँ इंस्ट्रक्टर अधिकतर ट्रेनी से जूनियर रैंक के होते हैं, सबसे पहले सभी ट्रेनी कमांडोज को अपनी अपनी रैंक हटानी होती है। उनकी पहचान अब केवल एक कमांडो की होती है। क्या भारतीय सेना में कहीं ईगो की कोई जगह रह जाती है? क्योंकि जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, जिस तरह से उन्हें डांट कर भी और पूरा पुश करके करवाया जा रहा है, उसका तो सीधा मतलब यह है कि आप ऑफिसर होंगे लेकिन ईगो आपके अंदर नहीं हो सकती है देश के साथ। आपने देखा होगा कि जैसी ही जिस दिन ये सारे ऑफिसर्स कोर्स के कमांडोज हैं, इन्होंने किसी ने भी अपना रैंक नहीं पहन रखा है। तो पहले दिन ही हम ये जो ईगो वाली भावना है वो तोड़ देते हैं, क्योंकि एक्चुअल ऑपरेशन में आप जब जाएंगे वहाँ पर इसकी कोई भी जगह नहीं होती है। जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हमारे JCO ऑफिसर स्टूडेंट आते हैं, वो हमारे JCO इंस्ट्रक्टर और NCO इंस्ट्रक्टर से सीनियर होते हैं रैंक वाइज।
रैंक निकालने का कारण ये है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ कमांडोज हैं, उनका कोई रैंक नहीं है सिवाय कमांडोज के, और किसी भी तरह का उनको फिजिकल पनिशमेंट दिया जाए या फिर किसी भी तरह का उनके साथ बिहेव किया जाए वो अपने दिल पे इस बात को ना ले। समान स्तर पर आने के बाद समान शक्लो सूरत की बारी आती है जिसके लिए सबके बालों को उतारा जाता है और फिर शुरू हो जाता है ब्रह्मांड का सबसे कठिन, सबसे कड़ा, सबसे असंभव अभ्यास। एक ट्रेनी को स्कूल परिसर में दाखिल होते ही रेत से भरा हुआ लगभग 20 किलो का बैग पीठ पर लादना होता है। ये पूरे 35 दिनों तक उनके शरीर का विस्तार रहता है। इसके बिना उन्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं। असली परिस्थितियों में सैनिकों को वजन के साथ पहाड़ चढ़ना होता है, लड़ाइयां लड़नी होती हैं, हथियार और जरूरी रसद का कुल वजन लगभग इतना ही होता है, लिहाजा इसकी आदत डालना जरूरी है। दरअसल जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है वो तो सेना की बुनियादी ट्रेनिंग में शामिल है, पर यहाँ जो अलग हो रहा है वो है इंसान के शरीर की क्षमता को चुनौती देना। शुरुआती हफ्ते में बॉडी के नेचुरल साइकिल को तोड़ने के लिए इनके सोने उठने का समय बदल दिया जाता है। कुछ दिन 3-4 घंटे की नींद की इजाजत मिलती है, फिर दिन की ट्रेनिंग खत्म होने पर आधे घंटे का समय दिया जाता है जिसमें अपने कमरे पर वापस जाकर नहा धोकर कपड़े बदलकर नाश्ता करके वापस आना होता है। ऑफिसर्स के कमरे ट्रेनिंग एरिया से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, जहां तक दौड़कर पहुंचने में भी कम से कम 10 मिनट का समय लगता है, यानी 20 मिनट तो आने जाने में ही खर्च हो गए। बाकी के 10 मिनट में नहाना, यूनिफॉर्म बदलना, खाना और सोना कैसे संभव है आप खुद सोच लीजिए। कमांडो को किसी भी वक्त और किसी भी वेदर कंडीशन में और किसी भी किस प्रकार की ज़मीनी हालात में जाना पड़ सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए। इसीलिए ये ट्रेन किया जाता है कि किसी भी समय उसको उठकर ट्रेनिंग शुरू कर दे, चाहे वो खाना खाया है नहीं खाया, खाने के तुरंत बाद रात को 2 बजे, शाम को 4 बजे, दोपहर को 12 बजे, किसी भी समय ट्रेनिंग कर सकता है। किसी भी समय बिना सोए हुए और मेहनत करने के बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो अपने एक प्लान बना सकता है। हम इसको ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं, तो एकदम से अपर लिमिट तक नहीं लाते हैं, स्लोली स्लोली उसको बिल्डअप करते हैं, और जब स्लोली स्लोली बिल्डअप करते हैं तो उसका शरीर और उसका दिमाग स्लोली स्लोली ट्रेन होता है इस डिसीजन लेने के लिए कि जब एक शरीर थक जाता है और गिवअप कर देता है तो दिमाग उस शरीर को कंट्रोल करने के लिए ट्रेन है। एक बात जो आप यहाँ पर अभ्यास के दौरान बार बार सुनेंगे वो ये कि कमांडो कोर्स जो होता है वो 35 दिनों का नहीं होता है, 35 दिन और 35 रातों का होता है। लेकिन उसके बावजूद आप किसी भी चेहरे पर एक भी शिकन नहीं देखेंगे। 200x200 क्या होता है? चौड़ाई और लंबाई दोनों के हिसाब से होगा, एक स्क्वायर बनेगा। 5 हफ्तों की ट्रेनिंग में ये इनका 3रा हफ्ता शुरू हुआ है। शरीर और दिमाग ने नींद के बिना काम करना जैसे सीख लिया है, लेकिन यही वो दौर है जहां कदम सबसे अधिक लड़खड़ाते हैं। ट्रेनीज ने 20 में से करीब 15 दिन बिना सोए गुजारे हैं। यहां कमांडोज क्लासरूम में युद्ध की रणनीति बनाना सीख रहे हैं। चार इंजीनियर, एक पीएनयू जी, एक मॉडल से तथा एक रेडियल से स्टार भी होगी। सर, एस्कॉर्ट ड्यूटी लीडिंग द कन्वॉय एंड द क्यूआरटी आई थिंक विल बेस इन द मिडिल। क्षेत्र को समझकर, दुश्मन की प्रस्तावित ताकत को आंककर, एक एक जगह का नाम लेकर इन्हें अपना प्लान बताना है। कहाँ से आएगा? From many time, from where? We settle down, okay. रोहित कुमार सिंह, या get up. कहते हैं जितनी कड़ी यहाँ की ट्रेनिंग है उससे बुरी है यहाँ मिलने वाली सजा। चंद शब्दों की हेरा फेरी ने इंस्ट्रक्टर का गुस्सा जगा दिया। फरमान नाले में डुबकी लगाने का मिला। ये है वो नाला जहां बेलगाम शहर के सीवर का सारा पानी आता है। बदबू ऐसी कि खड़ा रहना नामुमकिन है।
ट्रेनीज में इस नाले का ऐसा टेरर है कि इसका नाम दिया गया है खूनी नाला। You are enjoying over there, or Ketan? You are enjoying that? Are you trying to come out? अब कमांडो को पूरे दिन बिना नहाए रहना होगा ताकि छोटी सी भी गलती दोबारा न हो। पनिशमेंट जब भी कोई भी फॉल्ट एक बंदा करता है तो पूरी ग्रुप को मिलता है, तो मिले हैं पनिशमेंट। ट्रेनिंग का अगला पड़ाव था निशानेबाजी, लेकिन शूटिंग रेंज तक पहुंचने के लिए 22 बाधाओं की एक श्रृंखला पार करनी थी। हम आपको ये भी बता दें कि ये दुनिया का सबसे कठिन ऑब्स्टिकल कोर्स है। न तो विश्व में किसी भी आर्मी ट्रेनिंग एरिया में इतनी संख्या में बाधाएं हैं, न इतने कम समय में इन्हें हासिल करने की रवायत। एक 1.6 किलोमीटर लंबा मैदान, ऊपर की ओर स्लोप और कांटों भरे ऑब्स्टिकल्स, इन्हें पार करने के लिए अधिकतम समय मिलता है 17 मिनट 30 सेकंड का। अगर 20 मिनट तक का समय लगा तो पनिशमेंट, अगर उससे ऊपर का समय लगा तो पनिशमेंट तो है ही, टास्क को फिर से शुरू करना होगा। जरूरी ये है कि एक अकेला सैनिक नहीं बल्कि पूरी टीम को इस निर्धारित समय सीमा में ये दौड़ पूरी करनी है। वैसे भारतीय सेना में ऐसे भी सैनिक हैं जो 14 मिनट में ये कारनामा कर चुके हैं। जैसे ही ये दौड़ पूरी हुई, सैनिक बिना सुस्ताए शूटिंग रेंज की ओर भागे। नींद से बोझिल आंखें, धीमे धीमे सुस्त पड़ता दिमाग और टूटता शरीर। लेकिन 20 राउंड गोलियां टारगेट पर लगना जरूरी है, हर कमांड के साथ ट्रिगर दबना जरूरी है। ऑब्स्टिकल कोर्स के फौरन बाद निशाना साधने की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि थके शरीर के कारण हाथों को स्थिर रख पाना मुश्किल होता है। चढ़ी हुई सांसें सटीक निशाने में और अड़चन डालती हैं। लेट कर, खड़े होकर, दाएं कंधे से बाएं कंधे से लटक कर किसी प्रकार भी फायर करने में वो सक्षम हो, ताकि जो भी सिचुएशन हो उसमें वो सक्सेस हासिल कर सके। हो सकता है कि टारगेट मिस हो, इसीलिए हम एक कमांडो को डबल टैप शूटिंग में ट्रेन करते हैं, सो दैट एक बार में उसके राइफल से 2 राउंड निकले। यदि 1 राउंड मिस भी हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी 99% प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा राउंड उसे हिट करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि जिन सैनिकों की बारी बाद में आती है उनकी स्थिति बेहतर होगी। देखिए, उस्ताद उनसे लगातार पुशअप लगवा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में रिलैक्स शब्द जरूर सुनाई पड़ता है। ओके, रिलैक्स। ओके, हाथ हिलाओ, अभी अपने बाजू हिलाओ, खड़े खड़े हिलाना। लेकिन गिनती के 5 सेकंड में सुनिए ये अगला कमांड। 15-20 सेकंड रिकवरी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स शब्द में अगर आपको विडंबना दिख रही है तो इन्हें मिले स्लीप ब्रेक को भी देख लीजिए। इन्हें सोने के लिए कहने के बाद उस्ताद बड़े ध्यान से घड़ी देख रहे हैं और ठीक 30 सेकंड में नींद का समय खत्म। इतनी मेहनत करने के बाद 1 मिनट की नींद पूरी हो पाती? हाँ, हो जाती है मैम। स्टार्टिंग में नहीं होती थी, अभी हो जाती है। अभी आदत पड़ गई, अभी धीरे धीरे अभी हो जाती है पूरी। जैसे कमांड मिलता है वैसी नींद आ भी जाती है? हाँ, हो जाती है, अभी सब कुछ हो जाता है। अभी पहले स्टार्टिंग में तो काफ़ी परेशानी आई, अभी आदत पड़ गई, अभी हो जाती है परेशानी। हम इस तरीके से तैयार हो चुके हैं कि हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी परेशान में हम उसको कामयाब बना सकते हैं। नए नए कमांडो आते हैं तो उनको सोने का टाइम नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से उनकी जो टाइम साइकिल होती है डे की वो थोड़ी अलग हो जाती है। उसकी वजह से नए नए जो कमांडो आते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में। यहाँ निशानेबाजी का मतलब समय लेकर लक्ष्य साधकर केवल सटीक निशाना लगाना नहीं है, बल्कि थके हुए शरीर और दिमाग के बावजूद रिएक्शन टाइम कम से कम रखना है। ये किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में लगाए गए निशाने से भी कहीं अधिक जटिल होता है। जैसे ही यहाँ शूटिंग रेंज पर सभी ग्रुप्स की ट्रेनिंग पूरी हुई, ये अगली ट्रेनिंग के लिए बगैर रुके रवाना हो गए। अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी हाथों से लड़ाई का अभ्यास।
लाइन को सीधा रखो, लाइन को सीधा रखो। ये उस तरह के माहौल की तैयारी है जहां गोली चलाने की गुंजाइश नहीं होती। गोलियां खत्म हो जाएं, हथियार टूट जाएं या युद्ध भूमि में खामोशी से दुश्मन को खत्म करने की आवश्यकता हो तो हाथों को ही हथियार बनाना होता है और शरीर को वज्र सा मजबूत कि चट्टानों को भी खिसकाने का दमखम हो। एक स्थिति में जब कमांडो के पास हथियार या गोला बारूद का नहीं होना या किसी कारणवश उसके पास हथियार का प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता है तो उस समय उसकी गुथम गुथा की लड़ाई के बीच उसका जीवित रहना तथा उसकी सफलता और उसकी बुद्धिमता पर निर्भर करता है। कमांडो स्कूल में एक पल भी ऐसा नहीं बीता है अभी तक जो हमने देखा हो कि आराम से बैठे हों, और शरीर अगर लगातार कुछ न कुछ कर रहा हो तब पता चलता है कि क्या कोई ऐसा लम्हा भी आएगा जहां पर आप टूट सकते हैं। दिल, दिमाग और शरीर के संतुलन को जिस तरीके से ये अचीव करते हैं, जिस तरीके से ये हासिल करते हैं, वो बहुत निर्णायक होता है यहां पर इस ट्रेनिंग के दौरान। अंधेरा ढल रहा था लेकिन कमांडो लैंड में घिरते अंधेरे का मतलब दिन का अंत नहीं होता, वो तो किसी नई चुनौती का सवेरा होता है। कमांडोज यहां 20 किलोमीटर के रनबैक की तैयारी कर रहे हैं। इतनी लंबी दौड़ से पहले वार्म अप जरूरी है ताकि मांसपेशियां रिलैक्स रहें और किसी तरह की गंभीर चोट न लगे। यहां चल रही ट्रेनिंग शरीर की क्षमता से अधिक दिमागी इच्छा शक्ति पर निर्भर है और दिमागी वार्म अप के लिए कमांडोज के बीच मेजर जनरल संजय सोई पहुंचे हैं। इसके लिए आपके साथ आपके इंस्ट्रक्टर, ऑफिसर्स, जेसीओ और एनसीओ आपका पेस सेट करने के लिए और गाइड करने के लिए तैयार रहेंगे, साथ चलेंगे आपके। और मैं चाहता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि हर एक कमांडो आज इस एंड्योरेंस रन को आला दर्जे से और एक्सीलेंट लेवल में पूरा करेगा। ऑल द बेस्ट, क्या आप तैयार है? पिछले रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से थोड़ा टफ भी होता है लेकिन हमारे लिए कोई नामुमकिन नहीं है, कमांडो के लिए कोई नामुमकिन नहीं होता है। 20 गेम। जब तक दौड़ शुरू हुई अंधेरा घिर चुका था। बीस किलोमीटर का रनबैक पूरा करने के लिए लगभग 2 घंटे का समय था और ये पूरा रास्ता चढ़ाई की तरह। पीठ पर 20 किलो के रेत वाले बैग के साथ अब हथियार भी थे लेकिन फौलाद बनने के रास्ते पर सही है तो ये इंसानी शरीर ही ना। खड़ा हो गया इधर ही, चल चल चल। आधी दूरी पर एक कमांडो लड़खड़ाकर गिर गए थे। श्रीलंकाई सेना के इस कमांडो को डिहाइड्रेशन हो गया था। कमांडो का हौसला बढ़ाकर दोबारा उसके पैरों पर खड़ा किया गया और दौड़ पूरी करने के लिए रवाना कर दिया गया। Don't give up. Wherever you are feeling that you will not be able to continue, just push yourself for 50 meters. रात के समय रन बैक केवल स्टैमिना बढ़ाने के लिए नहीं होता। यहाँ जो भी टास्क दिया जाता है वो किसी न किसी असली परिस्थिति को सोच कर दिया जाता है। यहाँ रात की दौड़ में ट्रेनी कमांडोज को रास्ता ढूंढते हुए दौड़ना है और निर्धारित समय सीमा में वापस लौटना है क्योंकि अगली चुनौती उनका इंतजार कर रही है। 20 किलोमीटर स्टार्ट करने से पहले सुना था सबसे डिफिकल्ट रन है कमांडोज की, बट जब खत्म किया और वो भी शुरू के टॉप लॉट में तो बहुत अच्छा लगा। 20 किलोमीटर में दौड़ने से पहले थोड़ा दिल में तो होता है कि काफ़ी रन है, 23 kg वेट भी भारी लगेगा, लेकिन जैसे एक बार रन हो गया, बॉडी में गर्म हो गई, वार्मिंग अप हो गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई फिर दोबारा दौड़ने में। यहाँ हर तरफ प्रेरणा का भंडार है। अगर आप यहाँ पर कमांडोज को देखें या फिर दीवारों पर जो अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, जैसे यहीं पर पीछे एक दीवार पर लिखा हुआ है कि जो कमांडोज होते हैं वो जीते भी साथ हैं, सोते भी साथ हैं, लड़ते भी साथ हैं। टीम स्पिरिट बहुत अधिक ज़रूरी होती है। यहाँ एक व्यक्ति कितना अच्छा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पूरी टीम कितनी अच्छी है। कभी क्लास में झपकी चुराते, कभी दर्द में भी खुशियां मनाते, ये ऐसे अविश्वसनीय इंसान हैं जो कभी नहीं टूटते, कभी नहीं हारते।
पूरी रात के जागे कमांडोज सुबह 7 बजे कॉन्फिडेंस फायरिंग के लिए रेंज पर पहुंचे। ये निशानेबाजी की एक ऐसी कला है जहां चूक की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि सामने लक्ष्य के साथ आपका साथी भी है। उसमें बहुत खतरा होता है और ये बहुत ट्रेनिंग और बहुत अभ्यास के बाद हम किसी कमांडो को ये प्रैक्टिस कराते हैं, बिकॉज इसमें दो फायरर आमने सामने होते हैं और आमने सामने के टारगेट को उनको इंगेज करना होता है। उसके लिए उनकी मेंटल दे शुड बी मेंटली अवेक, मेंटली रोबस्ट एंड उनका फिजिकल स्टैंडर्ड शुड बी वेरी हाई। और कमांडो ट्रेनिंग में कभी भी ब्लैंक राउंड का इस्तेमाल नहीं होता, लाइव राउंड होता है, यानी असली गोली। एक चूक और सब खत्म। कभी कभी गोली कान के पास से भी निकलती है और मैक्सिमम यहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटी के दौरान हम 5 मीटर का सेफ्टी डिस्टेंस लेके चलते हैं कि 5 मीटर तक आसपास यदि दोनों फायरर फायर कर रहे हैं तो 5 मीटर का सेफ्टी डिस्टेंस हम लेकर चलते हैं यहाँ। सच कहें तो सारा संशय शायद सिर्फ हमारे ही दिमाग में था। कमांडो तो बस जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब उस हिस्से की ओर जिसे कमांडो प्रशिक्षण के सबसे कठिन इलाकों में से एक माना जाता है, लीडो जंप। ये कॉन्फिडेंस वर्क है, यानी सीधे तरह से कहें तो आत्मविश्वास की चाल। आप जब नीचे उतरते हैं इस पर, जो 1 फीट से भी कम की पटरी है, तो आपको नीचे की तरफ नहीं देखना है और इसकी ऊंचाई पर मत जाइए, क्योंकि जब अंतिम अभ्यास की ओर ये बढ़ेंगे तो वो 55 फीट की ऊंचाई होगी, जिससे अगर नीचे गिर गए तो कोई ऐसी चोट लग सकती है जो बहुत परेशान इन्हें कर सकती है, एक तरह से हम कहें तो करियर थ्रेटनिंग भी हो सकती है। सबसे पहले कमांडोज लोहे की इस सीढ़ी से 55 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। एक हैंडल के सहारे रस्सी पर झूलते हुए पानी में छलांग लगाते हैं। इस रस्सी के ठीक ऊपर एक रस्सी बंधी है जिसमें एक झंडा बंधा होता है। उस झंडे के पास जैसे ही कमांडोज पहुंचते हैं, इंस्ट्रक्टर की तरफ से कूदने का कमांड आता है। सेकंड के भी 100वें हिस्से में उस कमांड को सुनकर उसका पालन करना है, वरना पूल के सीमेंटेड किनारे से टकराने का खतरा है। बाहर निकलकर गीले कदम दौड़ते हुए लोहे की दूसरी सीढ़ी तक पहुंचना है। एक बार फिर उसी ऊंचाई पर जाना है और अब जो कॉन्फिडेंस वॉक का अभ्यास आपने 15 फीट की ऊंचाई पर देखा था, वही 55 फीट की ऊंचाई पर करना है। यह बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि कमांडोज को हाथ झुलाते हुए सामने की ओर देखते हुए चलना है। अगर संभल कर चले या फिर नीचे एक नजर मार ली तो उस्ताद का कमांड फौरन आ जाता है, नीचे उतरते हुए नीचे मत देखो, दोबारा जाओ, विष्णु तुम्हारे हाथ स्विंग नहीं कर रहे, दोबारा जाओ। पीछे आकर दोबारा पूरी वॉक करनी होती है। लीडो जंप में हम कमांडोज को हाइट के फियर से ओवरकम करने के तरीके सिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हमारा कॉन्फिडेंस वॉक का प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं 55 फीट के ऊपर एक रस्सी जा रही है। अब उस 55 फीट की हाइट से कमांडो को लगभग 25 से 30 फीट क्रॉल करना होता है और उसके बाद 55 फीट की हाइट से पानी में नीचे कूदना होता है। ये पूरा इलाका जिस तरह के अभ्यास के लिए चिन्हित है, वहाँ आत्मविश्वास बढ़ाने की बात कही जा रही है। आप देखेंगे कि एक एक करके जिस तरीके से कमांडोज यहाँ पर आ रहे हैं और जो अभ्यास कर रहे हैं, टीवी पर देखकर आपको कैसा भी लगे, लेकिन असलियत में बहुत सारे खतरे यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। किसी भी तरह की चोट इन्हें लग सकती है, जिसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। और खासकर ये कमांडोज जानते हैं, जब तक परफेक्ट नहीं होंगे तब तक उन्हें बार बार ये सब करते ही रहना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस वॉक वाले प्लेटफॉर्म के साथ ही एक रस्सी बंधी है जिस पर हाथों के सहारे लटकते हुए पानी के बीचों बीच आना है।
और कमांड मिलते ही छलांग लगा देनी। कमांडो बेनीवाल, जंप। यहाँ आपको हम बता दें कि इतनी ऊंचाई से कूदने पर पानी की चोट भी पत्थर से कम नहीं होती। अगर नीचे कूदते हुए शरीर का पोस्चर जरा सा भी गलत हुआ या कमांडो ने शरीर स्टिफ कर ली तो गंभीर चोट लग सकती है। इस कमांडो से कूदने में थोड़ी सी चूक हो गई। मेडिकल टीम को शक है कि इनका कंधा उखड़ गया है, लेकिन चोट चाहे कितनी भी गंभीर लगे, ये कमांडो मैदान नहीं छोड़ते। प्राथमिक उपचार के बाद ये भी वापस अपने साथियों के बीच पहुंच गए। पचपन फीट की ऊंचाई से छलांग लगाते हुए इतना बड़ा वाटर टैंक भी माचिस की डिब्बे जितना ही लगता है। कई दफा दिमाग को ऐसा आभास हो सकता है कि कहीं पानी से बाहर न गिर जाए। ऐसे ख्याल ही कभी कभी कूदते समय गलती का कारण बन जाते हैं। सबसे ज्यादा टफ मेरे को लीडो जंप लगता है, क्योंकि जब भी हम मंकी क्रॉल करके हम वहाँ पे जाके रिपोर्ट देना होता है कि कमांडो इज रेडी फॉर जंप, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि हाथ अभी जस्ट चुटने वाले, फिर भी हम उसको हिम्मत रख के अपना नाम, नंबर, सीरियल नंबर, रिपोर्ट दे के उसके बाद जब आदेश मिलता है जंप, तब जंप करते हैं, तो वो मेरे को सबसे मुश्किल पॉइंट लगता है। लीडो जंप के कारण सभी कमांडोज की वर्दी अब पानी से सराबोर, पर कपड़े बदलने की सहूलियत कहाँ है, बस धूप और हवा का सहारा है। इंसानी खौफ कई सूरतों में नजर आ सकता है, कहीं ऊंचाई का खौफ है, कहीं गहराई का खौफ है, कहीं इन सांपों का खौफ है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में हम रहते हैं ना, सालों से ऐसी किस्से कहानी सुनते हैं कि सांपों को लेकर एक भ्रांति बन जाती है मन में। तो यहां पर जब स्नेक हैंडलिंग सिखाई जाती है तो वो एक पहलू है दिमाग से उन बातों को निकालना और ये समझाना कि प्रकृति का हिस्सा है, इनके साथ भी जीना है और इनके जरिए भी जीना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर जहां पर कमांडो शब्द आता है उनके मन में तो किसी तरह का खौफ हो ही नहीं सकता। फुफकारते फन पटकते इन सांपों का खौफ इंसानी मन में होना कोई अजूबी बात नहीं है, लेकिन जंगलों में ऑपरेट करने वाले कमांडोज के मन में ये डर नहीं हो सकता। सांप जो है दो प्रकार की बाइट लेते हैं, ट्राई बाइट और मल्टीपल बाइट। कभी कभी क्या होता है, दो केस हो सकते हैं, या तो सांप ने, वेनमस स्नेक ने ट्राई बाइट दिया हो जिसकी वजह से कोई जहर अंदर गया ही नहीं है और हम सोचते हैं कि झाड़ फूंक से वो इंसान ठीक हो गया। दूसरा हो सकता है वो एक नॉन वेनमस स्नेक हो, क्योंकि वैसे ही नॉर्मल कुछ होना नहीं था और वो फिर भी हम सोचते हैं कि झाड़ फूंक से वो ठीक हो गया है। डर से बढ़कर उन भ्रांतियों को दूर करना जरूरी होता है जो सांपों को लेकर होती है। सामान्य तौर पर पाए जाने वाले सांपों की प्रजातियों के बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी जा रही है। सांप में जमीन की थरथराहट और हवा के कंपन को पहचानने की काबिलियत होती है। मसलन कोबरा को दबोचने के लिए जबड़े को ऊपर और नीचे से पकड़ना, लेकिन वाइपर के जबड़े को दोनों कोनों से पकड़ना, नहीं तो वो अपने जबड़े को काटता हुआ वार कर देता है। आपको ये भी बता दें कि इनमें किसी भी सांप का जहर निकाला नहीं गया है, यानी इन्हें हैंडल करते समय पूरा पूरा खतरा बना रहता है। लेकिन जब एक से एक जहरीले दुश्मनों के अंत की तैयारी चल रही हो तो एक सांप के विष की बिसात ही क्या। लगातार बिना थके बिना रुके ट्रेनिंग का ये दिन भी ढल रहा था, लेकिन टास्क खत्म नहीं हो रहे थे। रात के खाने के लिए कमांडोज को आधे घंटे का समय दिया गया। तो एक प्लेट में इतने सारे क्यों है, टाइम बचाने के लिए? यस मैम, यस मैम, टू सेव आवर टाइम। एक बड़ी जाता है, वी टेक फूड, अदर बड़ी गोज एंड ही टेक्स द मिल्क। दिस इज हाउ वी मैनेज आवर टाइम। तो इसके बाद भी आप लोग स्माइल करना कैसे मैनेज कर रहे हैं रात? बिकॉज़ दिस इज अ ग्रुप वर्क, पता है जो भी हो रहा है सबके साथ हो रहा है, तो स्माइलिंग सही चलता है यहाँ पे सब। वो डिफिकल्टी पूरे दिन की नहीं और ये सोच कि शायद आज रात सोने को नहीं मिलेगा। मैम लास्ट में यही होता है कि जब साथ में बैठते हैं तो दिन भर की जितनी भी थकान है वो दूर हो जाती है,
तो बस यही होता है, यही टाइम है जो कि हमें थोड़ा मतलब टेंशन रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। ये बताइए कि बाकी जो आपका यूनिफॉर्म है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन हाथ साफ करने का कम से कम मौका मिल गया या नहीं? नो मैम, नो। रेदर देन विल प्रेफर हैविंग वन मोर चपाती मैम। साफ करने से बेहतर है कि एक और रोटी। यस मैम, यस मैम, यस मैम। दरअसल इसी आधे घंटे में खाना खाने की जगह तक पहुंचकर, खाना खाकर शूटिंग रेंज तक पहुंचने का समय शामिल था। अपनी अपनी साइकिल पर सवार होकर सभी कमांडोज अब नाइट फायरिंग के लिए तेज रफ्तार से निकल पड़े। रात के समय ही इस तरह के ऑपरेशंस को हमें अंजाम देने की जरूरत पड़ती है, और उस समय हमें या तो कम लाइट होगी, एम्बियंट लाइट से हमें काम चलाना पड़ेगा, और उसी हालत में हमें फायर करने की जरूरत पड़ेगी जो भी हमारे ऊपर टारगेट होगा या जो हमें टारगेट दिया गया उसे बर्बाद करने के लिए। इसी तरह की फायरिंग की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। फिर मैं बता रहा हूँ, बिना हुक्म के कोई कार्रवाई मत करना। नाइट फायरिंग में जितनी भी रोशनी आप देख रहे हैं वो हमारे कैमरे की लाइट की। रेडी साहब, निशाना साधते समय हमें ये लाइट भी ऑफ करने का आदेश था। फिर टॉर्च की एक बहुत बारीक सी रोशनी में निशानेबाजी का अभ्यास शुरू हुआ। हमने टारगेट, सिंगल राउंड फायर। मकसद ये कि निशाना लगाते समय कमांडोज को अंधेरे की चुनौती का सामना करना पड़े, ठीक उसी तरह जैसा असली परिस्थितियों में होगा। इस समय भी जो कमांडोज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे उन्हें चैन से बैठने की इजाजत नहीं थी। रतन कश्यप, स्टार्ट काउंट ऑफ 30। मूव एंड कवर अप, मूव एंड हरी अप, थ्री मोर स्टेप्स। हु इज दिस नायर? हु फास्ट? हु इज दिस राहुल? हु आर यू? सरतालन सर। सरतालन, मूव फास्ट, कवर अप विद देम। कवर अप फास्ट, हरी अप, वन मोर स्टेप। और जो लौट कर आ रहे थे उनका हाल तो खैर क्या बयां करें। नाइट फायरिंग में भी शर्त दिन की निशानेबाजी वाली ही होती है। हर कमांड पर हर गोली निशाना भेदो, गलती हुई नहीं कि सजा तैयार। देखिए, एक कमांडो के कंधे पर दूसरा सवार, एक कमर में पैर अड़ाकर पीछे की ओर, दूसरा सामने की ओर पुशअप कर रहा है। ये भी समझिए कि हर एक का शरीर थकान से पूरी तरह टूटा हुआ है। आप सोचेंगे भला ऐसी सजा की क्या जरूरत, लेकिन सजा के पीछे की सोच जानना जरूरी है। एक सैनिक के जीवन की सबसे जरूरी चीज है अनुशासन और आज्ञा का पालन, जिसके लिए सबसे आवश्यक है कि उसमें ईगो यानी अहंकार न हो। सार्वजनिक सजा उसी ईगो को तोड़ने का काम करती है, और जरा सी चूक होने पर सजा ये समझाने का प्रयास है कि असली परिस्थितियों में चूक का मतलब मौत हो सकता है। है। अगर ये टाइम हो गया तो यहाँ नहीं आना। ले रहे, अब पैक तेरा। रात के 2:30 बज रहे हैं। ट्रेनिंग एरिया में सभी ग्रुप्स जमा हो रहे हैं। 10 सेकंड की देरी सबको माफ है। टाइम ओवर। उससे ऊपर इंतजार कराया तो दौड़ के बाद पनिशमेंट अलग से। शूटिंग रेंज से ये कमांडोज करीब 2 बजे निकले, कपड़े बदलने कमरे पर गए, और फिर हथियार लेकर 2:30 बजे यहाँ तैनात हो चुके। नींद थोड़ी सी मिल गई? हाँ, 45 मिनट्स। ये कहते हैं कि यहाँ पर जो आते हैं कमांडोज वो मास्टर कर लेते हैं ये आर्ट की दौड़ते दौड़ते भी कैसे कवर अप कर लेना अपनी नींद को। यस, बेसिकली लाइक व्हाट हैपेंस कि जब हम लोग वापस आ रहे होते हैं, नॉट इवन दौड़ते दौड़ते, व्हाइल राइडिंग बाइसिकल ऑल्सो वी स्लीप, वी टेंड टू स्लीप। सो व्हेनेवर वी गेट अ चांस, इवन अ सिंगल सेकंड वी गेट टू स्लीप, तो वी स्लीप। अभी जो लोड है वो कितना है?
अभी 18 केजी हमारे इस पैक का लोड है, प्लस ये वेपन अराउंड 4 केजी, तो 22 केजी लोड है टोटल। एंड पहले इनिशियली लगता था कि ये लोड है, लेकिन अभी जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ बॉडी। आपको ध्यान है टाइम क्या हो रहा है? जी मैम। और उस टाइम को सोचते हुए आप सोच रहे हैं कि आपको अभी 10-12 किलोमीटर के रन पर निकलना? जी। थकान होगी? नो मैम, हूँ कमांडो, मैम को थकान नहीं होती, बस दौड़ना है, मालूम है उसे पूरा करना है। जिंदगी का जश्न मनाते इन कमांडोज के चेहरे की ये मुस्कान हर उस इंसान के लिए सबक है जो छोटी सी परेशानी में भी टूट जाता है। इनका जीवन तो 35 दिन पूरा होने के बाद भी ऐसी ही कठिनाइयों से पटा रहेगा, और ये उन सभी चुनौतियों को ऐसे ही हराते रहेंगे। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि कमांडो स्कूल में अब ये ट्रेनिंग 35 दिनों की होती है, लेकिन कुछ सालों पहले तक ये 42 दिनों की थी। प्रशासनिक कारणों से एक हफ्ते की मियाद कम कर दी गई। 35 दिन पूरा हो जाएगा, फिर कहाँ करेंगे, क्या करेंगे आप? 35 दिन पूरा होने के बाद गोवा घूमेंगे, गोवा घूमने के बाद वापस यूनिट। उसी दिन का इंतजार है कि जब ये कोर्स किस तरह ख़त्म हो और मैं अपनी पूरी नींद कर सकूँ। अच्छा जी, आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ से कोर्स खत्म होते ही गोवा जाऊंगा एक बार और घूम के आऊंगा। गोवा पास है इसीलिए? हाँ, इतनी दूर से आए हैं तो गोवा जब जाके आ जाते हैं, देख लेते हैं वहाँ पे क्या होता है। गोवा में सोते तो नहीं रह जाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, नींद तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ऐसे अद्भुत हिम्मत और हौसले का कोई दूसरा पर्याय आपने देखा हो तो वो आप जाने, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि 35 दिन के इन पराक्रमियों से बड़े तपस्वी हमने कभी दुनिया में देखे ही नहीं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा, दिनेश लाल और साथी मोहम्मद अनस जुबैर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।